हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग सब कुछ बहुत इजीली सीखते हैं, क्योंकि हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हाई लेवल तक लेके जाते हैं। तो पिछले कुछ लेक्चर से हम लोग करते जा रहे हैं हमारा चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जिसका आज हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है स्क्वायर रूट फाइंड करना एक डिफरेंट मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते करते आप लोग सब बोर हो चुके होंगे। जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है या नहीं समझ आ रहा है, उनको तो टॉपिक और भी ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा। जो कर रहे हैं वो लोग थोड़े बोर हो गए होंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करते जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग एक नया तरीका सीखने वाले हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि इसके लिए प्रायर नॉलेज कुछ भी नहीं चाहिए, पुराना आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक नई चीज़, नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, और पुराना अगर आपको कुछ याद नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना सीखेंगे, स्क्वायर रूट्स यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक डिवीजन मेथड है, इसको यूज़ करके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। और इसके लिए आपको पुरानी कोई भी चीज़ याद नहीं होगी तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे पिछले मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना ज़रूरी था, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले रहा हूँ, जो कि है 529। ठीक है, ये किसी एक नंबर का स्क्वायर होता है। हम लोगों को फिगर आउट करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो और कहें कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपको राइट साइड से दो दो का ग्रुप बनाना है और उनके ऊपर ऐसी एक बार लगानी है। दो का ग्रुप बन गया, बार लगानी है। और जैसे ही एक नंबर रह जाए या एक नंबर नहीं भी रहे, मान लो ये नंबर 2529 होता, तो ऐसे दो दो का आप दो ग्रुप बना देते। ग्रुप हम लोग राइट साइड से बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कभी भी ऐसा आता है कि दो नंबर्स नहीं है, तो एक नंबर जो बचा है आपके पास, सिर्फ एक नंबर, उसका ग्रुप बना दो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर अलग अलग नंबर्स लिख दूँ, 5326 27849, तो हर केस में आपको सिर्फ इतना करना है कि राइट साइड से टू का ग्रुप बनाते हुए चलना है नंबर्स का। ठीक है, राइट साइड से टू का ग्रुप बनाते हुए चलना है, और जब एक नंबर रह जाए तो उस एक का एक सिंगल उसके ऊपर ऐसी बार लगा देंगे। तो इस तरह से आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, ग्रुपिंग कर देनी है राइट साइड से दो दो की, जहाँ पर दो नहीं है वहाँ पर एक की। अब हम लोगों को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा ही कुछ टेबल बना लेना है। अब लेफ्ट साइड से देखना शुरू करो, यहाँ पर हर बार वाले नंबर को देखेंगे हम लोग, जिसके ऊपर बार लगी है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 के ऊपर बार लगी है, सबसे लेफ्ट में सिर्फ 5 के ऊपर बार लगी है। तो अब आप इसको 5 को दिमाग में रखते हुए आपको क्या सोचना है, अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। आपको सोचना है एक स्क्वायर, ठीक है, एक नंबर का स्क्वायर। जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16 एंड सो ऑन। तो आपको क्या सोचना है, आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर सोचना है जो या तो 5 खुद हो या 5 से छोटा हो। तो यहाँ पर देखो, 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है। तो ये जो 5 है वो इस 4 और 9 के बीच में आएगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो स्क्वायर किया हुआ नंबर है उसके बीच में ये वैल्यू देख रहा हूँ मैं, इन नंबर्स के बीच में नहीं देख रहा हूँ जिनका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो जो स्क्वायर किए हुए नंबर हैं उनके रेफरेंस में आपको देखना है। तो 9 तो 5 से बड़ा हो जाएगा, तो आपको 4 सोच लेना है दिमाग में। ठीक है, 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 2 लिख दोगे, और यहाँ पर भी 2 लिख दोगे, और 2 2 सा कितना होता है 4। कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन जैसा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करनी है, सेम नंबर यहाँ पर होना चाहिए और सेम नंबर यहाँ पर, जो कि स्क्वायर से मिल सकता है हमें। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता तो 3 3 9 हो जाता, हमें यहाँ और यहाँ सेम नंबर लिखना है, और फिर 5 में से हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिखा है, 2 2 4। ठीक है, और इससे एक चीज़ और क्या है फ़ायदा, आप सोचोगे ऐसे कितने स्क्वायर याद करेंगे, तो देखो 15 तक वैसे तो स्क्वायर याद हैं, आपको नहीं भी होंगे तो भी आप देखोगे कि 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। और यहाँ पर हमने दो दो के ग्रुप बनाए हैं, तो मैक्सिमम यहाँ तो एक ही ग्रुप, एक ही नंबर का ग्रुप मिला है हमें। अगर दो का भी ग्रुप होता तो भी मैक्सिमम 9 के स्क्वायर तक ही हमको वैल्यू मिल जाती। तो अगर आपको 9 तक भी स्क्वायर याद हैं तो भी ये बड़े आराम से आप सॉल्व कर लोगे। आप देख लोगे कि 5 कौन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, जो छोटा है वो ले लोगे। अब क्या करना है, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बचे हमारे पास, 1 बचे।
वन आने के बाद क्या करोगे, अगला जो बार है उसकी सारी वैल्यूज नीचे उतार लोगे। अब यहाँ पर तो एक ही बार और बचा है, हो सकता है बड़ा नंबर दिया तो और होते, तो हमें सिर्फ इस बार की वैल्यूज को नीचे उतार लेना है 129। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि जो नंबर आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर लिया था इसको डबल कर दो। तो 2 का डबल कितना होता है 4, और एक डैश इसके आगे लगा दो, एक डैश इसके आगे। अब बात क्या है कि हमें यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर लिखना है, मतलब 4 के बाद डैश है इनटू सेम नंबर इन दोनों डैश में लिखना है, और ये या तो 129 आ जाए, 129 आ जाएगा तो क्वेश्चन ख़त्म है, और 129 से या फिर कम आ जाए। तो अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको 129 लेके आना है। तो आप इसको फिलहाल जब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करोगे, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो रफ में ऐसे लिख के देख लेना, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 और 0 लिखता हूँ तो 40 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगी हमारी। ऐसे ही अगर मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 1 लिखता हूँ तो 41 इंटू 41 कितना होता है, 41 ही होता है, 129 तक तो नहीं पहुँचे। लेकिन यहीं से मुझे हल्की हल्की एक चीज़ देखने लगी है कि 40 प्लस 40 प्लस 40, तीन बार अगर 40 40 40 करेंगे तो 120 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो क्या करते हैं, एक बार सीधा 3 लिख के देखते हैं, ठीक है। 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 43 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 लिख दिया। क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। बिल्कुल, अगर मैं दोनों जगह 3 लिख दूंगा, दोनों जगह सेम नंबर लिखना है, ये बात याद रखना है, ये कंडीशन है। ऐसा मत करना कि 41 इंटू 3 लिखने लगो, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। तो 43 इंटू 3 करने पे मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 3 आ गया और यहाँ पर भी 3 आ गया। 43 इंटू 3 करने पे क्या मिल गया हमको, 129 मिल गया, और यहाँ से रिमाइंडर 0 बच गया, 0 या फिर क्रॉस लगा सकते हो आप लोग। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही 0 रिमाइंडर या फिर क्रॉस आ गया है, ये यहाँ पर जो नंबर ओपटेन हुआ है यही नंबर हमारा स्क्वायर रूट है इसका, 529 का। इस क्वेश्चन में हम लोग 529 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे अपने आप समझ आता जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो, फिर से एक रिक्वायरमेंट तो निकल ही आई है हमारी, मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इतने स्क्वायर्स तो मिनिमम याद होने ही चाहिए इस मेथड को अप्लाई करने के लिए, वरना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी और कुछ नहीं है। तो अब एग्जांपल 9 हम लोग को दे रखा है आपके बुक में, एग्जांपल नंबर 9, 8 एग्जांपल्स हम लोग दे रखे थे। इसमें आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 729 का, ठीक है, ठीक है। 729 का फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करेंगे, वही 729 लिखा, एक छोटा सा घर ऐसे बना दिया इसके सराउंडिंग। अब बार्स बनाएंगे सबसे पहले, तो 20 राइट साइड से बनाना शुरू करते हैं, तो 29 को मिल गया और 7 को एक सिंगल बार मिला। अब जिस पे सिंगल बार है लेफ्ट साइड पे, इसको देखोगे आप 7, आपको ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है, मतलब ये राइट साइड में से, जो या तो 7 हो या उससे छोटा हो। तो देखो यहाँ तो 9 आ गया है 3 के स्क्वायर पे, तो 7 तो पहली बात तो कहीं हमें मिल ही नहीं रहा है, तो 7 नहीं मिल रहा है तो उससे छोटा देखेंगे, तो उससे छोटा क्या हो जाएगा, या तो 4 या तो 1, लेकिन हमें कौन सा वाला लेना है जो उससे जस्ट छोटा हो, जस्ट उससे पहले आ रहा हो। तो 7 के जस्ट पहले 4 आएगा, 1 तो बहुत 4 के बाद आ रहा है, तो ये वाला आपको ले लेना है, 2 और 2, एक बार फिर से 2 और 2, तो 2 इंटू 2 ऐसे लिख दिया, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, सब्ट्रैक्ट कर देना है, 7 में से 4 गया 3 आ गया। ऐसे ही 2 और 9, इस स्टेप में अब आप लोग यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, 329, 2 को डबल करके लिख देना है 4, एक डैश यहाँ पे लगाया, एक डैश यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब क्या करना है, मैं सिंपली फिर से वही रफ पे लिख लो ऐसे, 4 डैश लगाया इंटू डैश इज इक्वल टू 329 आना है, 329 लेके आना है, ठीक है। सबसे पहले आप 1 रख के देखो, क्योंकि 0 रखने पे तो 0 होता है, हमको पता चली गया, आप 1 रख के देखिए, तो 41 इंटू 1 हमें 41 मिल रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप फिर से वही रफ कैलकुलेशन करते हो, या तो आप ऐसा करो कि 1 1 रख के देख लिया, फिर 2 2 देख लिया, 3 3, एक एक करके सब रख के देख लो, या फिर आप रैंडमली रख के देख सकते हो, 1 रख लिया, 1 सबसे छोटा नंबर है, 9 रख लो, इसके बाद 49 इंटू 9 रख के देख लो क्या आ रहा है। तो देखो 9 9 ज़ा 81 की 1 कैरी गई 8, 9 4 ज़ा 36 और 8 44,
9 रखने पे 441 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 9 के लिए फिर भी थोड़ा इसके आसपास पहुंच रहे हैं। 41 तो 329 से बहुत दूर था, 441 फिर भी पास है, पर 9 से भी हमें आंसर नहीं मिला। अच्छा, अब 9 से भी हमें आंसर नहीं मिला तो एक तरीका तो यही है कि 1199 ऐसे रैंडमली रख के देखते रहो। एक तरीका है यूनिट डिजिट का, ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप समझ गए यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है। कि 9 कब आ सकता है, अगर मैं 1 × 1 करूँगा, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट सेम आ रही है, 1 × 1 पे मुझे 1 मिलता है, 2 × 2 पे मुझे 4 मिलता है, 3 × 3 पे मुझे 9 मिलता है। तो हो सकता है कि 43 × 3 करने पे मुझे ये मिल जाए, लेकिन 43 × 3 पे तो मिलेगा नहीं, हम पहले ही देख चुके हैं 43 × 3 129 होता है, तो ये वाला 9 हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही 4 से हमें क्या मिलता है, 16 मिलता है, 5 से 25, 6 से 36, और 7 से हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिसकी यूनिट डिजिट 9 है। तो आप क्या, एक तो ये यूनिट डिजिट लगा सकते हो, ठीक है, 47 और 7 कर लो, 329 आ जाएगा। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो लास्ट तरीका है हिट एंड ट्रायल, आपको अंदाज़ा लगाना है कि कहाँ पर जाएगा। वो कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर जब हमने 0 रखा था तो ये 40 बन रहा था, मतलब 40 का टेबल हमें पढ़ना है कुछ इस तरह से कि 329 पे आते जाएं, ठीक है। तो इस आप ऐसे देख सकते हो, 4 × 8 = 32 होता है ना, 4 × 8 = 32, और यहाँ स्टार्टिंग में 320 आ रहा है और ये 40 है, तो 40 × 8 = 320 होगा, 4 × 8 कितना होता है 32। तो अगर मैं इसमें एक ज़ीरो लगा दूंगा लास्ट में तो इसमें भी ज़ीरो लग जाता है, तो कहीं ना कहीं 40 × 8 320 के करीब आ रहा है, मतलब ये भी 8 बार में कहीं पर सॉल्व हो पा रहा होगा। तो इससे आपको ये आइडिया मिल गया कि 8 के आसपास होगा हमारा आंसर, तो 8 करके देख लो, 8 × 8 = 64 की 4 कैरी गई 6, 8 × 4 = 32 और 6 = 38, तो 8 करने से आपको देखा 384 आ रहा है जो इससे बड़ा है, तो 8 से छोटा नंबर ले लोगे उसके बाद, ठीक है। ये हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे अच्छा मेथड तो देखो यूनिट डिजिट का है, क्योंकि यूनिट डिजिट से एक फ़ायदा आपका और हो रहा है कि जो स्क्वायर्स याद किए थे वही यूज़ में आ रहे हैं, तो 7 ही आ जाएगा दोबारा, और 47 × 7 329 ही होता है, तो 47 × 7। तो आप कोशिश करो कि यूनिट डिजिट का मेथड लगाओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी, ये 47 आ गया, 729 का अंडर रूट 27 आ गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे और यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट से देखेंगे ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आता जाए, ठीक है। इसी का एक और पार्ट है और बड़ा, 1296 इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग 1296 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, दो दो का ग्रुप बनाना है राइट साइड से, अब की बार दोनों को दो दो का ग्रुप मिल गया, ठीक है। अब सबसे पहले आप पहले वाले ग्रुप को देखोगे लेफ्ट साइड से, 12 दिख रहा है, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 12 या उससे कम आ रहा हो। 12 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, उससे जस्ट पहले किसका आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर, तो आप लिख दोगे 3 × 3 = और यहाँ 3 × 3 = कितना होता है 9, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए मेरे पास 3 आए, और ये 96 को एज इट इज़ नीचे कॉपी डाउन कर लोगे। अब क्या करना है, इस 3 को डबल करना है, तो 6 इसके आगे एक डैश लगाया, इसके आगे एक डैश लगाया, अब मुझे मिल रहा है 6 × ये जो है वो 396 के बराबर आना चाहिए। अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो डिजिट है और यहाँ पर डिजिट है दोनों यूनिट डिजिट है, क्योंकि यूनिट्स प्लेस वंस प्लेस पे है, ये भी वंस प्लेस पे, ये तो है ही वंस प्लेस, एक ही टोटल नंबर है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका खुद से मल्टीप्लाई होने पर 6 मिलता है, ये हमने प्रॉपर्टी में भी देखा था, दो जगह हमें 6 मिलेगा, एक तो 4 पे और एक 6 पे, मतलब कि यहाँ पर या तो 4 आ रहा होगा या तो यहाँ पर 6 आ रहा होगा। 4 रख के हम लोगों ने देख लिया, तो देखो कितना आ रहा है, 4 × 4 = 16 कैरी गई 1, 4 × 6 = 24 और 1 = 25, तो इससे तो 256 ही आ रहा है, हमें 396 चाहिए, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तो आप डायरेक्ट यहीं से समझ जाओगे, आगे आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये 6 ही होगा, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं, 6 × 6 = 36 कैरी गई 3, 6 × 6 = 36 और 3 = 39 आ गया 396। यूनिट डिजिट मेथड 66 क्या आया, 6 और 6, तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो 1296 जो है वो 36 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ से हमें 0 मिल गया है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट किस चीज़ नंबर के स्क्वायर पे हमें वो डिजिट मिल रही है जो हमें चाहिए है 6, वहाँ से आपने देख लिया। और क्वेश्चंस देखते हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स इसके लिए गिवन हैं बुक में।
ओके तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कुछ होने वालों की तरह है, जिनमें क्या हो रहा था जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कर रहे थे ना, तो एक नंबर आ जाता था जिसकी पेयर नहीं बनती थी, फिर पूछते थे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो वही पेयर वाले नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही उसने हमसे पूछा है कि 5607 में से मैं कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से ये यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि सिर्फ यही यूज़ करो, तरीके बहुत सारे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक तरीका लेके चलो उसमें मास्टर बनो। तो हम लोग एक और नंबर, लेट्स से एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं 196, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसका दो का पेयर बनाया, इसको अकेला छोड़ा, यहाँ पर बना लिया हमारा ये। अब वन वन आ गया तो आपको बिना सोचे समझे सिर्फ वन इंटू वन ही कर सकते हो और कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वन से छोटा किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो वन वन ज़ा वन हो गया, यहाँ पर ज़ीरो बचा, 96 को कॉपी कर लीजिए एज इट इज़, ठीक है। अब वन का डबल किया तो टू हो गया, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश, इसका मतलब है कि हमें मिला है टू डैश इंटू डैश, ये हमें किसके बराबर लेके आना है 96। ज़ीरो पीछे लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके आगे लगा होता तो हमें लिखना पड़ता। तो अब देखो हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो। 6 कब आता है यूनिट डिजिट पे, ये वाला 6 देख रहे हैं हम लोग, यूनिट डिजिट, इस लाइन से कोई मतलब नहीं। 6 कब आता है मल्टीप्लाई करने पे, या तो 4 जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तब यूनिट डिजिट पे 6 आता है, या फिर 6 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हो तब 6 आता है। तो अगर यहाँ पर आप 4 रख दोगे तो 24 4 96 ही होता है, देखो 4 रखने पे ही आपको सीधा मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप 4 लिख दोगे 24, और यहाँ पर भी 4 लिख दोगे, और 14 का ही स्क्वायर होता है 196। ये तो आपको ऐसे ही याद भी हो गया होगा। एक और एग्जांपल भी देखेंगे, कहीं पे भी कसर नहीं रह जानी चाहिए कि आपको समझ ना आए ये कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी है, क्योंकि बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कन्फ्यूजिंग लगे। 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, दो का ग्रुप बनाया इनका, एक ये अकेला रह गया, ठीक है। अब 225 के केस में क्या होगा, या फिर थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि आसान ना रहे आपके लिए, 625 ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा नंबर एक 625 हमने ले लिया, इन दोनों का ग्रुप बना, इसका सिंगल का ग्रुप बना। अब 6 है, 6 से छोटा स्क्वायर नंबर हमें, या फिर 6 के बराबर, 6 तो किसी का होता ही नहीं है यहाँ पर, 6 से छोटा 4 हमें मिल जाएगा। तो 4 कैसे आएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 4 लिखा, 6 में से 4 गए, कितना आया, 2 आया। इस 25 को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे नीचे, ठीक है। अब देखो 2 का डबल किया कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश। अब देखो, अब आपको फिर से वही नीचे यहाँ पर लिखोगे कि 4 रफ में लिखना है, ये आपको 4 डैश इंटू डैश जो है ये आपको 225 के बराबर लेके आना है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर जो हो उसकी यूनिट डिजिट पे 5 आता हो। और हमको अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए था कि सिर्फ एक ही नंबर है जिसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 आती है, और वो नंबर क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर 5 है, 5 के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट, मतलब राइट मोस्ट पे जो डिजिट लिखी होती है राइट, सबसे राइट साइड में, वो 5 आती है। मतलब कि यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर भी 5, और कुछ देखने की ही ज़रूरत नहीं है। तो 45 और 45, ठीक है, 45 5 होता है 225, रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। तो 9 तक के ही स्क्वायर से आप ये सारी यूनिट डिजिट्स चेक कर सकते हो। 1 और 1 लिखेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, 2 और 2 लिखेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, 3 और 3 लिखेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगी, 4 और 4 लिखेंगे तो 4 4 होता है 16, यूनिट डिजिट 6 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर 1 से लेकर 9 तक के भी स्क्वायर्स याद है तो ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप लोग शॉर्टकट लगा के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में जो नंबर उसने हमें दिया है 5607, ये आपको देखते ही पता चल गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 7 है, और हमने पढ़ा था कि जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 3 7 या फिर 8 होती है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग हमारा वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी तक हमने सीखा है, 2 और 2 का ग्रुप बना दिया। 2 और 2 का ग्रुप बनाने के बाद अब क्या करेंगे, अब पहला ग्रुप 56 दे रहा है, तो आपको एक ऐसे नंबर का स्क्वायर ढूंढना है जो 56 या उससे छोटा हो। 56 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 56 आ रहा है देखो
49 और 64 के बीच में आ रहा है, तो 64 तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें ये लेना पड़ेगा 49, जो कि होता है 7 सेवनज़ा, तो 7 सेवनज़ा होता है 49, यहाँ से लिया, रिमाइंडर कितना बचा, 1 इससे कैरी लेगा, 16 में से 9 गई 7, और 4 में से 4 तो 0 होता है, तो सिर्फ 7 बचा, और 07 एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। यहाँ 7 लिखा था, 7 का डबल कर दोगे तो 7 टू 14, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश। अब क्या आ रहा है कि 14 और डैश इंटू डैश, इसको हम लोग को लेके आना है 707 के बराबर। अब क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में उसने हमसे बोला था कि इस नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हम लोग यूनिट डिजिट नहीं लगा पाएंगे, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। अगर ज़ीरो रखेंगे तो 140 × 0 ज़ीरो हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर 9, अगर 9 रखते हैं यहाँ पर तो देखो 9 9 81 की 1 कैरी गई 8, 9 4 36 और 8 44 की 4 कैरी गई 4, 9 1 9 और 4 13। तो अगर यहाँ 9 और 9 रखते हैं तो 1341 आ रहा है, जो 707 से बहुत बड़ा है। हम लोगों को 707 के बिल्कुल पास पहुँचना है, जितने पास पहुँच पाए, तो 9 से तो हम लोग काफ़ी दूर रह गए, मतलब अब आप 8 रख के मत देखना, अब आप उससे 3 या 4 नंबर सब्ट्रैक्ट करके देखो। तो 5 रख के देखते हैं एक बार, 145 × 5, 5 5 25 की 5 कैरी गई 2, 5 4 20 और 2 22 कैरी गई 2, 5 1 5 और 2 7, ये देखो काफ़ी पास पहुंच गए हम लोग, 145 × 5 हमें 725 मिल गया है। ठीक है, इस 725 को आप लोग दिमाग में रख लो, 725। अच्छा, 725 आपको दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे छोटा हो। उसका रीज़न ये है छोटा रखना है इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने की बात हो रही है, मतलब इस नंबर से छोटा नंबर होगा तभी तो हमें रिमाइंडर पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं 725 ले लेता यहाँ पर, कि 725 707 के काफ़ी पास है, तो देखो 707 में से 725 सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 725 को नहीं कंसिडर करेंगे। इससे छोटा नंबर अब जो भी, 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है, तो 4 ही रख सकते हैं हम लोग सिर्फ, तो 4 को यहाँ पर रख के कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी आएगा वही हम लेके चलेंगे। 4 4 16 की 6 कैरी गई 1, 4 4 16 और 1 17 की 7 कैरी गई 1, 4 1 4 और 1 5, हमें मिला 576। तो यहाँ पर 576 लिख देंगे हम लोग, किस पे आया है, 44 4 पे, तो यहाँ पर भी 4 डैश हटा दिया और यहाँ पर भी 4, तो 7 में से 6 गया 1 आया, 10 में से 7 गए 3 आया, 10 बनाया था इसे 1 दिया था, तो 6 में से 5 गए 1, तो 131 हम लोग को मिल गया है, 131। ठीक है, तो 131 वो नंबर है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिमाइंडर आया वही सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इसमें से अगर 131 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो। ठीक है, 7 में से 1 गया 6, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 1 गया 4 और 5, तो ये 5 4 7 6 वो नंबर है जिसका, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट और कुछ नहीं बल्कि यही नंबर होगा जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है। तो दोबारा जो लास्ट में लिखा है ना, ऑल्सो फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, मतलब जो नंबर फाइंड आउट किया उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो वो अलग से नहीं निकालना है, यही उसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं, क्या लेके चलें, 723 लेके चलते हैं। ठीक है, 733 लेके चलते हैं। अभी हमने देखो किसका स्क्वायर निकाला था, कुछ देर पहले 729 का निकाला था ना, 729 का अंडर स्क्वायर रूट क्या आया था, 27 आया था। ठीक है, तो इसी में 6 जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, आपको भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ, 729 में 6 जोड़ा 735, और अब यही सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ दिया था, क्वेश्चन क्या था कि इस नंबर में से क्या सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें अब देखो आंसर पहले से ही पता है क्योंकि क्वेश्चन हमने खुद बनाया कि 729 में हमने 6 जोड़ा है, मतलब इसमें से 6 घटाते ही ये 729 आ जाना चाहिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या हम लोग 6 पे आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं वो चेक करते हैं। देखो क्या किया, 2 का पेयर बनाया और 1 का पेयर बनाया, 7 पे हम लोग को लाना है, तो 7 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में, तो 4 लेके चलेंगे क्योंकि हमें छोटा नंबर चाहिए, तो 2 2 4 हो गया, 7 में से 4 गए 3 और यहाँ से 3 और 5 कॉपी कर लिए,
टू का डबल करके लिखना होता है, फोर लिख दिया, यहाँ पर डैश लगाया, यहाँ पर डैश, तो अब मुझे क्या मिल रहा है, फोर डैश इंटू डैश हम लोगों को 335 के आसपास लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल बीच का नंबर लेके चलो, अगर हम 0 से 1, 2, 3 ऐसे काउंटिंग लिखते हैं 9 तक, तो सबसे बीच में कौन सा नंबर आता है, 5। इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ। हिट एंड ट्रायल जब भी कर रहे हो ना, तो सबसे बीच का नंबर सबसे पहले लिखो, तो यहाँ पर आपने 5 लिखा, 5 ज़ा 25 की 5 कैरी गई 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, तो इससे हमें 225 मिला। 225 जो है वो 335 से थोड़ा सा ही छोटा है, काफ़ी ज़्यादा नहीं कह सकते, या काफ़ी ज़्यादा कह लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, कुल मिला के इससे छोटा है 335 से, मतलब हमें 5 से बड़ा नंबर चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ पता है, कि जब हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब नंबर देखते, अगर हम लोग एक एक करके रख के देखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारा बहुत टाइम बर्बाद होता, हमें टोटल 10 नंबर्स अलग अलग करके रखने पड़ते। अब जैसे ही आपने 5 रखा, आपको क्या हुआ कि या तो ये सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे या ये सारे, कैसे देखो, 5 हमने रखा, हमने देखा 5 रखने पे जो नंबर आ रहा है वो इससे बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है, मतलब हमें 5 से बड़ा नंबर चाहिए, मतलब इस तरफ के सारे नंबर सब हमें सिर्फ टेस्ट करने हैं, ये सारे तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, इन सबसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ठीक है। अब क्या किया आपने, देखो अब आप इस सब का बीच का नंबर देख लो, 5, 6, 7, 8, 9 में बीच में क्या है, 7 है, तो 5 के बाद अब 7 रख के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उससे क्या होगा कि या तो ऊपर के दो फालतू हो जाएंगे या नीचे के दो फालतू हो जाएंगे, और 7 ही अगर आंसर होगा तो ऊपर और नीचे दोनों फालतू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ 7 और 7, 7 ज़ा 49 की 9 कैरी गई 4, 7 4 ज़ा 28 और 4 32, ये देखो बिल्कुल पास पहुंच गए हम लोग 7 से, 329 पास भी पहुंच गए, और ये इससे छोटा भी है, हमें छोटा ही चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, और ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि अब अगर 8 और 8 रख देंगे तो इससे बहुत ऊपर निकल जाएंगे, तो हमें 335 के ऊपर तो निकलना नहीं है, तो ये लो यहाँ से सब ऑप्शन कैंसिल हो गए, सीधा 7 हमें मिल गया, और 329 ही देखो हमें चाहिए भी था, आ गए ना सही जगह पे, तो यहाँ पर भी 7 आएगा और यहाँ पर भी 7 आएगा, 47 इंटू 7 होता है 329, रिमाइंडर बच गया 6, मतलब कि जो हमें चाहिए था कि 6 वो नंबर है जो 735 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें उसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और 735 में से 6 जाने पे क्या आता है, 729, और मैंने कहा था ना कि ऊपर जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 27 ही 729 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों ही चीज़ें सीख ली, अब तो देखो हिट एंड ट्रायल के लिए भी एक ट्रिक सीख ली कि सबसे पहले बीच वाला नंबर रख के देखो जो कि होता है 5। वैसे तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन ना दे के सीधा परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ हो और स्क्वायर रूट निकालना हो, तब आप कोशिश करो कि आप लोग एक बार में आंसर निकालो, और एक बार में आंसर निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट से, वरना हिट एंड ट्रायल वाली ट्रिक लगाओ कि 0 से लेके 9 तक आपको सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, आप सबसे पहले 5 ले लो। सबसे पहले 5 लेने का फ़ायदा ये है कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि या तो 5 ही आंसर होगा तो बात ही ख़त्म, या फिर इसके ऊपर वाले नंबर सारे बचेंगे या फिर नीचे वाले बचेंगे। अगर जो आंसर आ रहा है वो गिवन नंबर से काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो ऊपर वाले सारे बर्बाद, क्योंकि हमें बड़ा नंबर लाना है, और अगर पहले से ही बड़ा आ गया है तो ऊपर के सारे ऑप्शंस बर्बाद, सिर्फ नीचे वाले टेस्ट करने। तो इस तरह से आप लोग बीच बीच वाले नंबर टेस्ट करके केसेस कम कर सकते हो जो आपको टेस्ट करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, देखने में बहुत आड़ लग रहा है, क्वेश्चन है कि हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड है उतने ही आसान है। देखो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9 9 9 9, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यही हो सकता है, क्योंकि 9 से बड़ा तो कोई नंबर होता नहीं है, 9 के बाद 0 आ जाता है, 10 आएगा तो 10 2 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर में 9 सबसे बड़ा होता है, तो 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। इसमें 1 जोड़ते ही, इसमें जैसे ही आप 1 जोड़ दोगे तो आपको 10,000 मिल जाता है, जो कि 5 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे बाई चांस कभी 4 डिजिट का सबसे छोटा पूछ लेंगे तो 1000 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, वरना यहाँ भी 0 रख देते, पर 0 यहाँ भी 0 रख दिया तो सब 0 हो जाएगा, वो करना नहीं है हमें, इसलिए 100 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो अभी सबसे बड़ा। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इसी में से वही क्वेश्चन आ गया दोबारा,
कि फोर इस नंबर में से कौन सा सबसे छोटा सा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही सबसे छोटा नंबर सबसे ट्रैक कर देंगे, ये तो हमें पता है कि फोर डिजिट का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर नहीं है, और अगर यही है तो और अच्छी बात है, यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है तो हमें वो सबसे छोटा सा नंबर फाइंड आउट करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है जिस पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन सेम है, ग्रुप बना दिया दो और दो का, 99 हम लोग को लेके आना है। 99 कैसे आएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 हम लोग लेके चलेंगे। 9 9 81, 9 में से 1 गई 8, 9 में से 8 गया 1, 99 कॉपी कर लिया नीचे, ठीक है। अभी 9 का डबल करते हैं 18, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश। अब फिगर थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो आपकी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी, बट क्वेश्चन हार्ड नहीं हुआ है, ठीक है। हमें इस सबको करके सॉल्व करके लेके आना है 1899। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या करेंगे, सबसे पहले 5 रख के देखेंगे, 5 रखा और 5 रखा, 5 5 25 की 5 कैरी गई 2, 5 8 40 और 2 42 की 2 कैरी गई 4, 5 1 5 और 4 9, 925 आया। 1899 से बहुत छोटा है, आधा है केवल उसका, मतलब 5 से छोटा नंबर जितने भी थे वो सब गए, हमें 5 से आगे की तरफ बढ़ना है। अब 5 के बाद हम क्या रख के देख सकते हैं, 6 7 8 या फिर 9, ये नंबर्स रख के देख सकते हैं, तो अब फिर से 8 रख के देख लेते हैं, 7 भी रख सकते हैं, बट हम लोग 8 रख के देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा आया था, थोड़ा बहुत नहीं। क्या लिखा था यहाँ, हाँ 1 8 और 8 ले रहे हैं इंटू 8, ये डैश और डैश वाले नंबर है, तो 8 8 64 की 4 कैरी गई 6, 8 8 64 और 6 70 की 0 कैरी गई 7, 8 1 8 और 7 15, 1504 अभी भी इससे छोटा है, तो हो सकता है यही आंसर हो सकता है 9 रखने पे आंसर मिल जाए, तो एक बार यहाँ पर 9 रख के भी देख लेंगे, अगर 9 रख के भी छोटा आता है तो जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 से बड़ा तो नंबर ही नहीं है हमारे पास कुछ। अब हमने 9 रख के देख लिया, तो 9 9 81 की 1 कैरी गई 8, 9 8 72 और 8 80 की 0 कैरी गई 8, 9 1 9 और 8 17, 1701 अभी भी इससे छोटा आया है, 1899 से छोटा आया है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर यही है क्योंकि 9 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो हम यहाँ पर रखते, तो बेसिकली सब यही ले सकते हैं हम लोग, बस और कुछ नहीं ले सकते, तो यहाँ पर भी 9 ले लेंगे और यहाँ पर भी 9 ले लेंगे, और कितना आ रहा है, कहा गया 189 * 9 कितना आ रहा है, 1701 आ रहा है, 1701। चलो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इस नंबर में से 198 माइनस करना पड़ेगा, तब हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 9 9 9 9 में से 198 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमें सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 1 गए 8 और 9 एज इट इज, तो 9 8 0 1, ये है 4 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसका स्क्वायर रूट है 99, ठीक है। इससे एक और कंक्लूजन निकली है, आपको बताता हूँ मैं, कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 होता है, अगर 99 के बाद वाला नंबर देखें तो 99 के बाद क्या आता है 100, और 100 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो देखो क्या आ रहा है। चलो छोड़ो, ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जो इस लेक्चर में आपके सिलेबस में भी है, वो हम लोग तभी देखेंगे, अभी बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सबसे लेंदी क्वेश्चन जो अगर इस चैप्टर का आपको देना होगा तो यही बन सकता है, ठीक है। लेकिन देखो, लेंदी हो या कुछ भी हो, अगर आपने ये क्वेश्चंस पहले ही कर रखे होंगे तो आपको कुछ दिक्कत तो होगी नहीं एग्जाम के टाइम करने में, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेंदी मतलब लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब उसने हमें क्या कहा है, अभी तक सब्ट्रैक्ट करवाता था, जैसे मुझे पता है एक नंबर होता है जिसका स्क्वायर होता है 1296, तो अगर इसने हमसे कहा होता कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो सब्ट्रैक्ट करना है और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है उससे, तो 4 सीधा सीधा मुझे ऐसे ही याद है क्योंकि 1296 स्क्वायर होता है, लेकिन क्योंकि अभी ये हमसे क्या कह रहा है कि हमें ऐड करवाना है, तो ऐड करवा के इसने थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा कर दिया है क्योंकि एक प्रोसेस फॉलो होगा उसके लिए, कोई बात नहीं, हमारा वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमें आता है। 00 का ग्रुप, 13 का ग्रुप, यहाँ पर ऐसे लगाया, 13 लाने के लिए क्या करेंगे, देखो
थ्री का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 4 का ज़्यादा निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा 13 के, तो 3 का लेके चलेंगे, 3 3 9, कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, 0 और 0 कॉपी कर लिया, 3 का डबल करके यहाँ लिखेंगे 6, उसके आगे एक डैश लगाएंगे और यहाँ पर एक डैश, तो अब मुझे मिला है 6 - जो है वो 400 के बराबर आना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, तो सबसे पहले 5 और 5 5 5 25 की 5, कैरी गई 2, 5 6 30 और 2, 32, 5 और 5 से 325 आ रहा है जो इससे कम है, तो हो सकता है यहाँ पर इससे ज़्यादा 6 7 8 या 9 पे भी हमें कोई नंबर मिल जाए, इससे कम पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी कम है, तो एक बार 6 रख के भी देख लेते हैं, 6 से क्या आ रहा है, 6 6 36 की 6, कैरी गई 3, 6 6 36 और 3 39, देखो यहाँ पर भी कम आ रहा है इससे, तो 6 ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें 400 के सबसे करीब वाला नंबर चाहिए जो कि हो गया 396, ठीक है 396। अब इसके बाद देखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है, ठीक है 7 रखेंगे तो इससे ऊपर निकल जाएगा, ऊपर नहीं हमें नीचे ही रहना है, 6 और 6 से हम लोग नीचे रह पा रहे, 6 और 6 इससे क्या आ रहा है 396, मतलब कि मेरे पास रिमाइंडर बच गया 4। अच्छा अब देखो, अब कमाल की बात ये है कि मैंने आपसे पहले ही आपको देखो बताया था कि 1296 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है, किसका होता है 34 का होता है, ठीक है या फिर शायद 36 का होता है, कोई बात नहीं जिसका भी होता है वो बात की बात है, 4 रिमाइंडर बच गया जैसा कि हमने देखा था, मतलब कि अगर उसने इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा होता कि क्या लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो आप बोल देते 4 सब्ट्रैक्ट कर दो 1296 आएगा, वही परफेक्ट स्क्वायर है, और ये देखो 36 का स्क्वायर होता है वो, 36 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है 34 नहीं 36 का स्क्वायर होता है 1296। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि मैं इसमें क्या ऐड करूं, तो अब देखो ऐड क्या करेंगे, ऐड करने की बात कुछ ऐसी है कि अगर मेरे पास एक नंबर है 1300, मुझे पता चल गया कि इसके पीछे जैसे हम उसमें कर रहे हैं ना हिट एंड ट्रायल में क्या कर रहे हैं कि 1 और 4 के बीच में जैसे यहाँ पर 13 था, तो 13 हमने देखा था कि कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, 16 और 9 के बीच में आता है, यही देखा था और फिर 9 को सिलेक्ट कर लिया था, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, वैसे ही कैसे कुछ हो रहा है देखो, अगर मैं ये देखूँ कि 1300 के पहले वो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें अभी अभी वो मिल ही गया है 1296 जो हमारे क्वेश्चन से मिला, ठीक है 1296, और ये किसका स्क्वायर है 36 का स्क्वायर है ये नंबर, मतलब कि जाहिर सी बात है 1300 के बाद जो नंबर आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 36 के बाद कौन सा नंबर आता है 37 आता है, तो वो नंबर 37 का स्क्वायर होगा क्योंकि इसके पीछे हमें 36 का स्क्वायर मिल रहा है, तो इसके बाद 37 का ही तो स्क्वायर मिलेगा, 36 और 37 के बीच में तो कोई होता नहीं है नंबर, तो अब आपको निकाल लेना है 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर निकाल लो, 7 7 49 की 9, कैरी गई 4, अच्छा ये तो पूरा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, तो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, 7 7 49 की 9, कैरी गई 4, 7 3 21 और 4 25 3 7 21 की 1, कैरी गई 2, 3 3 9 और 2 11, तो ये आया 9 6 3 1, मतलब कि 1296 के बाद जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो है 1369। इसमें से क्या माइनस करोगे जल्दी से बताओ मुझे, इसमें से हम लोग ये 1300 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें फाइंड करना है 1300 में हम लोग क्या जोड़ें कि 1369 आ जाए, तो वैसे तो आपको ऐसे ही दिख गया होगा कि 69 आ रहा है, बट आ कैसे रहा है, इसमें से 1300 सब्ट्रैक्ट करके ही तो आ रहा है, तो वो नंबर जो इसमें जोड़ें वो है 69, ठीक है। देखो प्रोसीजर क्या हुआ हमारा, प्रोसीजर हमारा पहले तो सेम रहा, हमने पेयर बनाया और इससे छोटे नंबर पे आके छोड़ दिया उसको, यहाँ पर मुझे 4 मिला, तो 4 मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 1300 में से, 1296 आया, ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, ये कैलकुलेट करने की 4 सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, 4 जैसे ही मिल गया आपको ये पता चल गया कि इससे पीछे जो सबसे बड़ा नंबर है वो है, इससे जस्ट पहले आने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 36 का स्क्वायर है, तो 36 के स्क्वायर के बाद ऑब्वियसली बात है 37 का स्क्वायर आएगा, 37 का स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया और उसमें से 1300 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। वैसे तो आपके बुक के अकॉर्डिंग इतने ही एग्जांपल हैं, बट ताकि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ जाए, एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए।
हमने देखा था 16 का स्क्वायर आप सबको याद होगा 256 होता है, ठीक है, 256 होता है 16 का स्क्वायर, और इसमें से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूँ 246 ले लूँ, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा बन रहा है कि 246 एक नंबर है, इसमें मिनिमम क्या नंबर जोड़ा जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो हमारा आंसर 10 आना चाहिए, 246 में 10 जोड़ेंगे 256 आएगा, जो कि 16 का स्क्वायर है। खुद से क्वेश्चन बना लिया हम लोगों ने, 246 ले लिया हम लोगों ने, इसमें 10 जोड़ने पे आप सबको पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। करके देखते हैं 246। अब क्या करना है, हमें पेयर बनाना है, 4 और 6 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 जब भी आ गया 2 किस क्या लेंगे, 1 ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 2 4 होता है, इससे बड़ा हो जाएगा, तो 1 हमारे पास 2 में से बन गया, 1 बचा और 4 6 हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर लेंगे 2, फिर लगा देंगे डैश, 2 क्यों लिया, 1 का डबल किया और यहाँ पर डैश लगा दिया, तो अब हमें मिला 2 - ((), इसको हम लोगों को 146 के करीब लेके आना है, ठीक है। सबसे पहले क्या रख के देखेंगे, 0 से 9 के सबसे बीच में जो नंबर आता है जो कि होता है 5, और 25 5 = 125 होता है, जो कि इसके पीछे है, तो अभी तक सही चल रहे हैं, हो सकता है 26 से और पास पहुंच जाए, तो एक बार 26 रख के भी देख लेते हैं। 6 6 = 36 की 6 कैरी गई 3, 6 2 = 12 और 3 = 15, 156 इसके ऊपर निकल गए, तो 6 नहीं रखना है हमें, 25 और 5 ही रखना है, तो 2 के बाद 5 और यहाँ पर भी 5, 25 5 = कितना होता है 125, ठीक है। अब इसको वैसे तो सेपरेट करके हमें दिख रहा है, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गए 0, 21, लेकिन हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है इस 15 से, मतलब कि हमें मिला कि 246 के पहले जो आता है वो है 15 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, हम सबको पता है, मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, 15 का स्क्वायर नहीं 16 का स्क्वायर निकाल लोगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, हमारा गिवन नंबर जो कि है 246, तो आएगा 10। अच्छा, इसमें लोग गलती क्या कर देते हैं, गलती कहाँ पर हो सकती है, गलती होगी जब आप गलती से 16 की जगह 15 का ही स्क्वायर निकाल दोगे जो आपने कैलकुलेट किया है। तो आपको इतना याद रखना है कि जब भी ऐड करने वाला क्वेश्चन हमसे पूछेंगे तो नॉर्मल स्टेप्स तो वही रहेंगे कि सबसे पास जाके एक रिमाइंडर तक आ जाओ, जिस रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, जो स्क्वायर बन रहा है, जो नंबर बन रहा है उस वो प्लस 1 मतलब 15 बन रहा है, तो 16 का स्क्वायर निकाल के ये सब्ट्रैक्ट करना है, 15 के स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट करने मत लग जाना, क्योंकि 15 का स्क्वायर तो खुद ही इससे छोटा है, फिर माइनस का नंबर आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख लिए, बुक में तो 4 ही थे, 4 के अलावा हमने खुद के भी एग्जांपल्स बनाए, और मैंने आपको भी बताया कि एग्जांपल्स कैसे बनाए गए हैं, ताकि आप लोग भी खुद के क्वेश्चंस बनाना भी सीखो, ठीक है, और इस बात को भी समझो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देख के ही आंसर कहीं ना कहीं समझ लोगे, या आंसर देख के क्वेश्चन समझ लोगे, तो काफ़ी हेल्प होगी आपकी। एनी हाउ, वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे और फाइनली इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मैक्स टू मैक्स आज थर्सडे है, तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे, संडे को तो आपको कोई लेक्चर आता नहीं है, तो मंडे को इस मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर आपको हार्ड लगा हो तो रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स आपको देखना चाहिए, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए, और आगे दोबारा बार बार आप जब भी इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें आएँ तो उनसे घबराएं नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ पाए। थैंक यू।